हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मनोज दास, आपका नॉलेज फ्रेंड, आपका भाई, आपका दोस्त। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था बेनिफिट्स ऑफ मल्टीग्रेन आटा के बारे में। उस वीडियो के नीचे भर भर के आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे शेयर्स आए, और एक डिमांड भी आई कि सर एक प्रॉपरली हम एक प्रपोर्शन दें कि किस तरह से हम अपने घर में एक हेल्दी रेसिपी तैयार कर सकते हैं मल्टीग्रेन आटे की। तो लीजिए, आपने डिमांड की और मैंने आपके लिए के वीडियो रेडी कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंटिफिक तथ्यों के बारे में, जिन तथ्यों को हम अगर जान लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे घर के लिए कौन सा रेसिपी मल्टीग्रेन आटे का परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जो मार्केट में जो हमें मल्टीग्रेन आटा मिलता है उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, और बहुत बार तो यह भी होता है कि हमें उस पैकेट पर तो लिखा हुआ मिलता है कि वो मल्टीग्रेन आटा है, लेकिन उसके अंदर जो पैकेट पर दिखाई गई चीजें हैं वो रियलिटी में होंगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो जरूरी है इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको अलग अलग अनाजों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा, और हम बात करेंगे कि आपको उस अनाज की कितनी मात्रा अपने घर के मल्टीग्रेन आटे के अंदर आपको मिलानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कभी भी हम मल्टीग्रेन आटे की जब बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो आता है वो आती है गेहूं, क्योंकि गेहूं जो है वो हमारे हिंदुस्तान का एक मेन अनाज है, जिसके बिना शायद हम अपने खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। साउथ को अगर मैं छोड़ दूं तो वहां पर डेफिनेटली चावल एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग अनाज माना जाता है, लेकिन अपने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो गेहूं है वो एक मेन हिस्सा है। तो हमें गेहूं लेनी है 1 किलो। गेहूं के अंदर कार्ब्स के अलावा एनर्जी के अलावा बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को चलाने में हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। अब इसे मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए अब कौन से अनाजों को मिलाया जाए, तो सबसे पहला जो अनाज आता है दोस्तों वो आता है बाजरा। बाजरा जो है उसके अंदर कार्ब्स के अलावा बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस उसके अंदर बहुत होता है, पोटेशियम उसके अंदर बहुत होता है, कैल्शियम की मात्रा उसके अंदर बहुत होती है, जिसकी वजह से वो आपके उन लोगों के लिए जिन लोगों को गठिया रहता है, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, जिन लोगों को शिकायत रहती है बार बार यूरिनेशन करने की, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है कि हमें रात को जो नींद है वो बहुत अच्छी नहीं आती, तो उनके लिए बाजरा बहुत ज़्यादा काम करता है। तो मेरे हिसाब से एक सुकून भरी जो नींद है ना, वो हर एक को चाहिए होती है, क्योंकि अगर नींद आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका जो दिन है, जो अगला दिन है, वो बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि आप रात भर में बहुत सुकून से सोए होंगे। तो अपने मल्टीग्रेन आटा के अंदर 1 किलो गेहूं के अंदर 50 ग्राम बाजरा जरूर ऐड करें। नंबर 2 जो अनाज आता है दोस्तों वो आता है ज्वार। अब जो ज्वार है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाज है उन लोगों के लिए जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को शुगर है, जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेवल्स पर भी जा चुके हैं, अगर वो ज्वार को अपने आटे में मिला करके खाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ज्वार भी अगर आप मिला रहे हैं अपने आटे के अंदर, अपने गेहूं के अंदर पिसवाते समय, तो आपको उसकी मात्रा भी 50 ग्राम रखनी है। नंबर 3 जो अनाज आता है दोस्तों वो आता है मक्का। मक्का जो है आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन के अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत समय तक ट्रेवल कर रहे होते हैं, वहां पर अगर आप उसकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मक्का अपने आटे के अंदर जरूर शामिल करें। मक्का जो है वो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है आपके शरीर के अंदर न्यूरॉन्स को परफेक्ट रखने के लिए। मक्का की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मक्का की मात्रा 1 किलो गेहूं के अंदर होनी चाहिए 25 ग्राम। विशेषकर वो घर जहां पर कि बच्चे छोटे हैं, जो स्टडीज कर रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं, जो स्कूल में जा रहे हैं, तो उनके आटे के अंदर अब जरूर मक्का मिलाएं, क्योंकि मक्का से उनकी फंक्शनिंग जो है ब्रेन की वो बेहतर होगी, जिसकी वजह से उनका पढ़ा हुआ उन्हें बहुत आसानी से याद होगा। नंबर नेक्स्ट जो अनाज आता है दोस्तों वो आता है चना। जो काला चना है उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि ये ताकतवर बहुत होता है। अब देखिए, घोड़े जैसी शक्ति के लिए चना खाइए, ऐसा बहुत बार बहुत बुजुर्ग लोग बोलते भी हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो आपके शरीर की जो मांसपेशियों की जो टूट फूट है उन्हें रिपेयर करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके शरीर का जो हर एक सेल जो समय पर टूटता है उसको वापस से रीजनरेट करने में आपकी मदद करता है।
करता है। तो चना बहुत जरूरी है अपने इस आटे के अंदर मिलाना, इसकी मात्रा होनी चाहिए 50 ग्राम। अगला जो अनाज आता है दोस्तों, वो आता है आपका साबुत मूंग, जिसे हम हरे मूंग भी कहते हैं। हरे मूंग के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आपके जो स्किन है, आपके जो बाल हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपकी स्किन के अंदर कोई भी स्किन की प्रॉब्लम चल रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी व्यक्ति रहे वो हमेशा जवान रहे, उसके चेहरे से उसकी एज का ना पता चले, उसके जो बाल जो हैं वो हमेशा खूबसूरत बने रहें, तो हमेशा आप अपने आटे के अंदर जो साबुत मूंग है, जो हरे मूंग है, उन्हें जरूर मिलाएं। इसकी मात्रा आपके 1 किलो गेहूं के अंदर 25 ग्राम होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है जौ। जौ जो है वो एक क्रूशियल अनाज है। क्रूशियल अनाज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसकी वजह से इतने गुण हैं जिनकी की कल्पना नहीं की जा सकती, और आयुर्वेद में उसके इतने बखान किए गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आपके घर में कोई भी रहता हो, आपके घर में चाहे छोटा बच्चा है जो 5 साल का है, या आपके घर में जो 70-80 साल का बुजुर्ग है, हर एक के ब्रेन के लिए, हर एक की बॉडी के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, यूट्रस के लिए, पैनक्रियाज के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, आपके शरीर के हर एक ऑर्गन के लिए जो जौ है ना, वो एक गुणकारी प्रयोग है। तो उसको बहुत अच्छे से यूज करें और इसकी मात्रा 1 किलो गेहूं के अंदर 100 ग्राम रखें। आप देखेंगे कि आपने कुछ दिन ही अगर इसको खाया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट जो अनाज आता है दोस्तों, वो आता है सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसके अंदर महिलाओं को विशेष ताकत देने की कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचेगा कि इसको मेल्स नहीं खा सकते। सिर्फ सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा एंटी कर दिया है सोयाबीन को, मेल्स के दिमाग में आता नहीं, इससे फीमेल हार्मोन बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा अगर आप मिलाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है मेल बूब्स की, लेकिन अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप टेंशन नहीं लें। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप एक थायराइड पेशेंट हैं, आपको हाइपर या हाइपोथायरायडिज्म है, तो डेफिनेटली आप सोयाबीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोयाबीन की जगह पर फिर आप नाचनी नाम का एक अनाज आपको बहुत आराम से मार्केट में अवेलेबल है, ग्रॉसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है, और नहीं तो अमेजोन पर अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी आप इस अनाजों को, अच्छा सोयाबीन कितना मिलाना चाहिए, तो सोयाबीन जो है वो 50 ग्राम से ज्यादा 1 किलो गेहूं के अंदर दोस्तों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा होता है तो डेफिनेटली वो आपके बॉडी के अंदर सोडियम कंपोनेंट को भी बढ़ाने का काम करता है, जो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। एक और बात, जब भी आप इन सारे अनाजों को मिक्स करके जब इसका आटा बनाने के लिए पिसवाते हैं या गेहूं को पिसवाते हैं, तो हमेशा अपने चक्की वाले भाई को बोलें कि वो मोटा पीसे इसे। मोटा थोड़ा सा शायद आपको रोटी कुछ दिन खाने के लिए थोड़ा सा अच्छी ना लगे, शायद थोड़ा सा आपको तकलीफ हो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए, लेकिन इस मोटे आटे की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फाइबर जाएगा, और जब फाइबर जाएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि नेचुरोपैथी एक ही चीज़ मानता है कि अगर आपका पेट सही है तो आपके शरीर की हर बीमारी को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपकी शुरुआत जो है वो पेट से ही मिलती है। तो आपके पेट को सही रखने के लिए इस अनाज को मोटा पिसवाएं और इस मल्टीग्रेन आटे को अपने घर में जरूर यूज करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिन दोस्तों को आपको लगता है कि इसको शेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि ये वीडियो हर घर में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आटा एक ऐसी चीज है जो हम रोजाना अपने घर में अपनी किचन में यूज करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका खाना अच्छा है, अगर आपका अन्न अच्छा है, तो आपका तन और आपका मन ये स्वस्थ रहने ही वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतने ज्यादा शामिल हो चुके हैं कि वो अपने अन्न पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप अपने अन्न पर ध्यान देना शुरू करेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका तन ठीक रहेगा, तो डेफिनेटली आप जो पैसा कमाने की रेस में दौड़ रहे हैं उस रेस में बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। तो अपने आप से प्यार कीजिए और इस चैनल को भी अपना प्यार देते रहिए। इसी आशा के साथ आप चल विदा लेता, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।